नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इट्स सुमित कुमार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज गियर्स प्रॉपरली, इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गाड़ी का गियर्स जो है कुछ इस तरीके का रहता है और हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है। जो भी ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना सीखता है तो जब भी गियर चेंज करना है तो फुल्ली आपको क्लच प्रेस करना है और उसके बाद गियर लगाना है। तो गियर के बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म, ये कैसे वर्क करता है ये समझ लें। तो गियर का जो काम है वो जो इंजन के आरपीएम है उनको आपकी गाड़ी के टायर के रोटेशन से मैच करके चले और उस हिसाब से जो टॉर्क है उसको कम या ज़्यादा दे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर में टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, उस कारण उस गियर में गाड़ी पिक करती है, सेकंड में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसकी अगर पोजीशनिंग को आप अगर देखें, थोड़ा सा कैमरा पास में लाना, अगर आप इसकी पोजीशनिंग को देखें तो आप जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स गियर यहाँ पर लिखा है। तो अगर ये न्यूट्रल में होगा जब भी तो ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ये यहाँ पर प्लेस रहता है और ये आपको जो बीच वाली लाइन दिख रही है ये इसमें न्यूट्रल के समय मूव करता है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं मैं इसको अपने लेफ्ट और राइट में मूव कर सक रहा हूँ। तो सिंपली आपको सबसे पहले सारे गियर खड़ी गाड़ी में आपको लगा के देखने हैं और आपको इतना ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सामने की तरफ देखें और बिना गियर को देखें आप गियर्स को आगे पीछे मूव कर लें, जो डिज़ायर्ड आपका गियर है आप वो लगा सकें। तो फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो अंगूठे को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा और ये आपका फर्स्ट गियर लग जाएगा। इसी तरीके से सेकंड गियर और फिर सेंट्रल में आने के बाद सीधे आप अगर करेंगे आगे तो थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर पीछे की तरफ लगेगा और उसके बाद आप अपने राइट में न्यूट्रल करके और न्यूट्रल वाली लाइन में राइट करके आगे की तरफ करेंगे तो फिफ्थ गियर और पीछे की तरफ रिवर्स गियर लगेगा। एक चीज़ जानना ज़रूरी है इसमें कि जब भी आप रिवर्स गियर लगाएंगे आपकी गाड़ी में कर की आवाज़ या अटका सा कुछ ऐसा सा फील हो सकता है। उसका कारण ये होता है कि जो फ्रंट फाइव गियर्स रहते हैं उनमें अंदर की तरफ सिंक्रोनाइज़र लगा हुआ होता है और रिवर्स गियर में सिंक्रोनाइज़र नहीं होता है। तो उस समय जो गियर्स है उनके खांचों को मैच करने में कई बार दिक्कत होती है। तो आप सिंपली उस समय कुछ ना करें, आप क्लच को कुछ देर तक प्रेस करके रखें और आराम से फिर रिवर्स गियर को लगाएं तो वो आराम से इंगेज हो जाएगा। और इंगेज नहीं होता, कई बार अटक जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होता है गाड़ियों में, नॉर्मल है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि गियर्स कैसे चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा गाड़ी को चलाएंगे और फिर चलते चलते बात करेंगे। सो, मैंने अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहले मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। सीट बेल्ट लगाने के बाद मैंने क्लच फुल्ली प्रेस किया और इस तरीके से फर्स्ट गियर मारा है। जब भी आप को फर्स्ट गियर मारें तो स्पेशली आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें एस्केलेटर के साथ, और फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने में दिक्कत आती है। तो जैसे ही आपने धीरे धीरे फर्स्ट गियर डाला और उसके बाद जब आपके आरपीएम 2000 आरपीएम के आसपास पहुंच जाए, हर एक इंजन की अपनी अपनी क्षमता होती है कि वो कितने आरपीएम पे गियर चेंज करता है। तो आप अपनी गाड़ी के मैनुअल में देखें, सिंपल सी बात, या फिर आप अपने इंजन के बिहेवियर से या गाड़ी की आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब गियर को चेंज करना है। जनरली आपकी गाड़ी में, मतलब कि कोई भी गाड़ी हो, 1500 से 3000 आरपीएम के बीच में गियर चेंज करने की आवश्यकता होती है, मतलब गियर अपशिफ्ट करने की आवश्यकता होती है। और जब आपकी आपके आरपीएम हमेशा 1500 आरपीएम से नीचे की तरफ चले जाएं तो आपको डाउनशिफ्ट करने की आवश्यकता होती है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है और आप देख सकते हैं, अगर आरपीएम आप देख पा रहे हैं तो अभी मैंने ये 2000 आरपीएम पे मैंने इसे रखा है, मैंने क्लच दबाया और गाड़ी तीसरे गियर में चली गई। सेम आपको जब थर्ड गियर में 2000 आरपीएम हो जाएगी गाड़ी के तो आप इसे फोर्थ गियर में लगा देंगे, और फोर्थ गियर में भी जब 2000 आरपीएम हो जाएंगे तो मैं इसे फिफ्थ गियर में लगा सकता हूँ। अगेन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ध्यान रखें, ये चीज़ अलग अलग गाड़ी में अलग अलग वेरी कर सकती है कि कौन से आरपीएम पर गाड़ी किस उसमें लगेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा फिफ्थ गियर में मेरी गाड़ी 1500 आरपीएम से नीचे आ गई थी, तो मैंने डायरेक्ट आरपीएम को 2000 पर ले जाने के लिए गाड़ी को थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया।
सो आप फिफ्थ गियर से डायरेक्ट इस तरीके से थर्ड गियर में शिफ्ट कर सकते हो। हमेशा जब भी आप गियर्स को डाउन शिफ्ट करेंगे तब आप एकदम हायर गियर से, फॉर एग्जांपल फिफ्थ गियर है और अब मैंने ऐसे गाड़ी रोकी है और मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई, तो आप तुरंत गियर चेंज करके फर्स्ट गियर डायरेक्ट लगा सकते हैं फिफ्थ गियर के बाद। लेकिन आप फर्स्ट गियर के बाद फौरन अगर फिफ्थ गियर लगाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है, आपकी गाड़ी कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। तो आप शिफ्टिंग के दौरान आपको जो गियर्स का सीरीज़ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 उस गियर से लगाना है, और डाउन शिफ्ट करते वक्त आप फिफ्थ गियर से थर्ड गियर पे या थर्ड गियर से फर्स्ट गियर पे या फिर थर्ड गियर से सेकंड गियर पे आराम से आ जा सकते हैं। ये केवल डाउन शिफ्टिंग का है। अगली बात, गियर को चेंज करते समय थोड़ी सी मेंटालिटी ये बना के रखनी होती है कि आप गाड़ी से माइलेज लेना चाहते हैं या पावर। स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी सीख रहे हो तब आपको ना माइलेज का देखना है ज़्यादा ना पावर का देखना है, आपको नॉर्मल केवल सीखना रहता है, तो उसमें इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप अगर पावर के हिसाब से अगर थोड़ा सा गाड़ी को चला रहे हैं तो आप थोड़ा सा हायर आरपीएम पर गियर को अपशिफ्ट करें तो आपको पावर जो है ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क ज़्यादा मिलने से डायरेक्टली आपके पिकअप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपका जो पिकअप है गाड़ी का वो बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से जब आप माइलेज निकालने के हिसाब से गाड़ी को चला रहे हैं, उस मेंटलिटी से गाड़ी को चला रहे हैं, तब आपको गियर शिफ्ट थोड़े से कम आरपीएम्स पे करने पड़ेंगे, उससे पावर थोड़ी सी लो आएगी। पावर माइलेज निकालने के लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंट पावर देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको 2000 आरपीएम से थोड़ा नीचे या 2000 आरपीएम पे आपको गियर को अपशिफ्ट करना है। और जब भी आप गियर को अपशिफ्ट करें थोड़ा सा क्लच को आराम से छोड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप गियर को अपशिफ्ट करेंगे और आपके आरपीएम 3-4 हज़ार पे चले गए और आपने सेकंड गियर से थर्ड गियर में लगाया तो आपकी गाड़ी झटके खा सकती है, और ये गाड़ी चलाने का एक सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा 2000, 2500, 3000 मैक्सिमम इस पे अपशिफ्ट कर देना है गाड़ी को। और फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी थोड़े हायर चली जाती है, उसके बाद तो कोई गियर रहता नहीं है, तो उसमें आराम से गाड़ी को अपशिफ्ट करने की आवश्यकता होती नहीं है, आप क्रूज कर सकते हैं। बाकी अगली चीज़ जो गियर शिफ्ट करते वक्त मैनेज करनी रहती है या देखना रहता है वो है कि आप गाड़ी को किस एरिया में चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं अप हिल में चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो मैं अगर मेरी गाड़ी थर्ड गियर मांग भी रही है थोड़ा सा तो मैं उसे हायर आरपीएम्स पे हमेशा अपशिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पर मुझे पावर की आवश्यकता है। और जब गाड़ी डाउनहिल में जाती है तो यहाँ पर उस समय मुझे माइलेज चाहिए रहता है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी को पावर लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आप ये पावर और माइलेज वाला जो सीन है आप अपहिल और डाउनहिल पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जब नॉर्मल रोड्स पे चले समतल पे तब आप नॉर्मली गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप गाड़ी चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको गियर शिफ्टिंग का नॉलेज होता जाएगा और आपको धीरे धीरे सामने देख के गियर शिफ्ट करने का जो एक्सपीरियंस है वो आता जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें। जब एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ड्राइविंग की हैबिट बैठ गई तो फिर कोई उसको निकाल नहीं सकता। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।